तो चलो प्यारे बच्चों, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन 11 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, इनको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। इस एप्लीकेशन में मैं ले रहा हूँ थीक कंडक्टिंग सेल, ठीक ना। एक ऐसा सेल ले रहा हूँ जो अंदर से तो खाली है पर उसके पास कुछ ना कुछ थीकनेस है, ठीक है। तो ये थीकनेस है जिसकी इनर रेडियस, ये वाली इनर रेडियस ए है, और इसकी जो आउटर रेडियस है वो मैं बी कंसीडर कर रहा हूँ। और यहाँ से ये मटेरियल है, ये इसमें मटेरियल भरा हुआ है, ये मेटल मेटल है, ये वाली जो है वो कंडक्टर है, मेटल है, ठीक है। और मैं चार्ज रखा हूँ, एक पॉइंट चार्ज रखा हूँ इसके सेंटर पे, इन दोनों सेल के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हूँ प्लस क्यू। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पोजीशन पे निकालना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अंदर में निकालना है, फिर मेटल के अंदर निकालना, फिर यहाँ से निकालना, तीन पॉइंट पे निकालना, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकेंड, पॉइंट थर्ड। तो इन तीनों पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा बाई यूजिंग द गॉस थियरम, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं दिखाया हूँ कि फील्ड लाइनें कैसी होंगी। तो हमें सबसे पहले ये बात हमें पता है, किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, कोई चार्ज होता ही नहीं है अंदर में, ठीक है ना। मतलब ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है क्योंकि चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये दोनों बात सही है। चलो तो यहाँ से तुम देखोगे, सबसे पहले मैं होलो सेल के अंदर में कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर मैं अंदर में कैलकुलेट करता हूँ तो ये वाली रेडियस यहाँ से पूरी की पूरी रेडियस ए है, और आउटर रेडियस ये मैं बी ले रहा हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ से एक ये वाली जो रेड कलर का दिखाया हूँ, ये वाला ये है गॉसियन सरफेस यहाँ पर। तो ये मैं गॉसियन सरफेस अंदर में ड्रा किया हूँ, क्योंकि हमारा जो जो पॉइंट है, जो रेडियस है वो लेस देन ए है। तो लेस देन ए मतलब ये वाली जो रेडियस है, जो गॉसियन सरफेस है, ये आर है, और ये एक स्पीयर है, ठीक है। इस स्पीयर, तो इस स्पीयर पे अब मैं गॉस का लॉ लगाऊंगा भाई, गॉस थियरम या गॉस लॉ। यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं छोटा सा एक एरिया वेक्टर लेता हूँ, तो उस एरिया वेक्टर के एरिया वेक्टर इस पे डी एस वेक्टर इधर जाएगा, और इस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ थीटा बन गया 0 डिग्री। इस तरह से मैं इधर यहाँ पर लूँगा छोटे छोटे, ऐसे मैं डी एस ऐसे इस एरिया को जोड़ूंगा, इंटीग्रेट करूँगा इस गॉसियन सरफेस को। तो अगर मैं देखो यहाँ पर ई नेट फ्लक्स गॉस थ्योरम लगाता हूँ, तो ये कहते हैं कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ये अब सरफेस एरिया दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप देखोगे तो नेट फ्लक्स यहाँ से देखोगे ई डी एस कॉस जीरो, और यहाँ से फ्लक्स ऑफ द सरफेस, और चार्ज इनक्लोज्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से। तो यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और सरफेस इंटीग्रेशन डी एस और चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई और डी एस सरफेस एरिया देखोगे 4 पाई स्मॉल r² दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वही आ गया जो पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है घूम फिर के, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² आ जाएगा, जो कि अंदर में होलो सेल के अंदर में जो जो खाली जगह थी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के बराबर आ रहा है k³/r², ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ अगर देखोगे तो 1/r² का कर्व आएगा। तो ये वाली चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेटल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मेटल के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट है जैसा हमने डिराइव किया। अब मेटल के अंदर आओगे इनसाइड द मेटालिक बॉडी, तो मैं गॉसियन सरफेस ऐसे बना लिया हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा इस टाइम ये गॉसियन सरफेस है। तो एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा ही दे रहा होगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस मैं आर ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये वाली रेडियस ए थी और बाहर वाली रेडियस ये बी थी, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे चार्ज है, देखो अब इस मेटल के अंदर यहाँ पर ये जो मेटल का रीजन है इस ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है ये वाला। तो अब हमें पता नहीं है कि इसमें चार्ज है या नहीं है, समझ रहे। तो मैं ये मानता हूँ मुझे नहीं पता इसके अंदर चार्ज है नहीं है, तो भाई गॉस थ्योरम अगर लगाता हूँ तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्साइल इन नॉट, ठीक है। तो टोटल चार्ज चलो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर यहाँ पर तुम देखोगे, चलो मान लेते हैं कुछ इसके अंदर चार्ज होगा, हमें नहीं पता है, उसको मान लेते हैं, मान लो क्यू डैश, चलो आ ही गया होगा। तो टोटल चार्ज प्लस क्यू जो कि सेंटर पे था, प्लस क्यू डैश जो अपने मन से मान लिया मैं लेट, क्योंकि हमें पता नहीं है चार्ज है या नहीं है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई डॉट डी एस अगर तुम देखोगे मेटल के अंदर गॉसियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल के अंदर इस रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गई, और ये क्यू प्लस क्यू डैश की वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब क्यू प्लस क्यू डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो टोटल ज़ीरो आ जाएगी, मतलब जो क्यू डैश आ जाएगी माइनस क्यू। इसका मतलब ये हुआ इस मेटालिक बॉडी के अंदर जो चार्ज इंट्रोड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा। तो अब मेटल के अंदर इसके अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं ना भाई, तो ये वाला चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू इंट्रोड्यूस हुआ होगा। ये गॉस के लॉ से हमने प्रूव कर दिया, टोटल वैल्यू माइनस क्यू क्योंकि इसके सेंटर पे प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें बात बताएगी, कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर यहाँ पे जीरो है, इसके अंदर चार्ज क्यू डैश इंट्रोड्यूस हुआ है जो आउटर सरफेस पे, तो बाहर वाले सरफेस पे यहाँ पे उतना ही प्लस क्यू जनरेट हो गया होगा, समझ रहे। ये वाली सरफेस जो है इस पे प्लस क्यू जनरेट हो गया होगा, क्यू जनरेट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस क्यू जो जहाँ से आएगा वहाँ से प्लस जनरेट हो जाएगा, या नहीं तो आप गॉस लॉ लगा के भी वेरीफाई कर सकते हो ये चीज़। चलो अब अगर तुम देखोगे बाहर में अगर तुम देखोगे, ये बाहर में ये डिस्टेंस आर है, और ये रेडियस इनर रेडियस ए है, और आउटर रेडियस इसका बी है, और यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, और अंदर में ये जो इंट्रोड्यूस चार्ज है मेटल के केस में ये माइनस क्यू है, और ये जो बाहर में जो चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है वो कुल मिला के प्लस क्यू है, ठीक है ना। ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये सारे चार्ज इसके अंदर है गॉसियन सरफेस के। ये रेड वाला है हमारा गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस है, ठीक मेटालिक सेल है। तो अब मैं इस पर फ्लक्स लेता हूँ, इस पर मतलब लगाता हूँ, तो पूरे सभी चार्ज से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे यहाँ सेंटर से, तो आउटवर्ड आएगा जो भी, क्योंकि सारे प्लस चार्ज है स्पीयर पे है, सेंटर पे तुम मान सकते हो इनको, क्योंकि ए प्लस क्यू और माइनस क्यू का फील्ड यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू का ही बचेगा। एरिया वेक्टर ऊपर आएगा ये वाला, तो एरिया वेक्टर अगर ऊपर आया तो थीटा बन गया जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा ई डॉट डी एस के कॉम्पोनेंट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे टोटल चार्ज कितना आया, प्लस क्यू माइनस इंट्रोड्यूस की प्लस क्यू एट सेंटर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस कॉस जीरो। यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरा इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरफेस एरिया 4πr² आ जाएगा, और ये प्लस क्यू कट जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब बाहर में जो फील्ड आएगा वो क्यू अपॉन 4πε₀r² आएगा, जो कि पॉइंट चार्ज के बराबर है kqr², जो कि अगर ग्राफ में देखोगे ये वाली चीज़, अगर ग्राफ में देखोगे तो बाहर में फील्ड 1r² के कर्व से वेरी कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो हम अच्छे से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ बच्चों, तो यहाँ से देखो, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली डिस्टेंस तो ए थी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी भाई, बी थी। तो ये इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू ए है, और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू कैपिटल स्मॉल बी है। तो जब मैं सेंटर से जाऊंगा इधर, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में फील्ड कैसे वेरी करती थी पॉइंट चार्ज की वजह से, जब पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है सेंटर पे, तो फील्ड इज इक्वल टू के की ओवर आर स्क्वायर, मतलब ये इस तरह से कर्व आएगा जो कि आप यहाँ ऐसे देख रहे हो। फिर अचानक से जब मेटल के अंदर आ जाओगे तो फील्ड जीरो आएगी, तो लाइनें आएगा, फिर बाहर में 1/r² का फिर से कर्व आ जाएगा, और ये अंदर में 1/r² यहाँ से वेरी करेगा, और ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसी तरह से क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो राइट साइड फील्ड पॉजिटिव है, और पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस कोऑर्डिनेट में आएगा,
इधर जाओगे तो ई निगेटिव आएगा और आर की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, ये वाली चीज़। यहाँ तक देखोगे तो ये फिर वही कहानी, ई इज इक्वल टू 1/r का स्क्वायर का कर्व आ जाएगा यहाँ पे अंदर में, और यहाँ पे फील्ड जीरो आ जाएगा क्योंकि मेटल के अंदर, यहाँ पर मेटल के अंदर यहाँ से लेके इस रीजन में कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² का कर्व आएगा। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वैल्यूएबल कंटेंट, और आप अपना बहुत ख्याल रखो और दोस्तों के साथ जरूर अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।